हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रहा है राजस्थान एनिमल अटेंडेंट की रिक्रूटमेंट 2024 के रिगार्डिंग। मतलब कि पशु परिचर की पोस्ट के लिए बम्पर नंबर की सीट पर वैकेंसी आउट हुई है राजस्थान के अंदर। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करेंगे। ग्रुप सी की ये पोस्ट रहने वाली है, मेल फीमेल दोनों ही के लिए रहेगा। तो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में मैं बताने वाली हूँ कि क्या सब इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सारा कुछ बताऊंगी कि आपका जॉब प्रोफाइल सब क्या है। तो लास्ट तक जरूर वॉच करना। तो चलिए, अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लाइक आई टोल्ड यू कि राजस्थान में एनिमल अटेंडेंट यानी पशु परिचर की रिक्रूटमेंट आई है। पोस्ट वाइज अगर बात करें तो टोटल पोस्ट है 5934 सीट्स, 6000 के आसपास सीट आपकी रहने वाली है। अब देख लेते हैं कि गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र में क्या क्या सीट आपका रहने वाला है। नॉन टीएसपी के लिए है 5281 सीट्स, टीएसपी एरिया के लिए आपका है 653 सीट्स। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब रही बात की इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या है, कब से कब तक फॉर्म अप्लाई होगा। 19th ऑफ जैन से ये ऑलरेडी स्टार्टेड है। लास्ट डेट टू अप्लाई है 17th ऑफ फेब, मतलब फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है। अगर आप इच्छुक हो अप्लाई करने का तो 17 फरवरी तक इंतजार नहीं करना है। जितना जल्दी हो सके फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब रही बात की फॉर्म अप्लाई करोगे तो फी क्या लगेगा। जनरल ओबीसी एमबीसी से लिया जाएगा 600 रुपीस, ओबीसी एनसीएल एससी और एसटी से 400 रुपीस। अब आप सोच रहे होंगे कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स होंगे उनका क्या होगा। जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स होंगे सभी को जनरल कैंडिडेट माना जाएगा, चाहे आप बिहार से हो, आप एससी हो, आप राजस्थान के लिए जनरल कैटेगरी से ही रहोगे। तो आपसे 600 रुपीस लिया जाएगा फॉर्म का फी। फ्रेंड्स, साथ ही साथ आपको यहाँ पर एग्जाम की डेट भी नोटिफिकेशन में बता दी गई है कि अप्रैल से जून के बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो समय अभी आपके पास अच्छा खासा है, तैयारी में जोरों शोरों से लग जाइए। और अब बात कर लेते हैं कि एज की लिमिट क्या रहने वाली है। तो आपका एज जो कैलकुलेशन होगा 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग होगा। 1 जनवरी 2025 के अनुसार मिनिमम आपका 18 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष होना चाहिए। ये जो मैंने एज बताया 18 टू 40 इयर्स जनरल कैंडिडेट मेल के लिए। रिलैक्सेशन जो मिलेगा आपको जनरल में फीमेल ओबीसी एससी एसटी के मेल कैंडिडेट को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। वहीं पर अगर ओबीसी और एससी एसटी के आप फीमेल कैंडिडेट्स हो तो आपको यहाँ पर 10 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो एज में भी रिलैक्सेशन है, ये आप समझ गए होंगे। आगे हम लोग देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एट फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है। क्वालिफिकेशन ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपली जिन्होंने 10th पास कर रखा है सभी एलिजिबल रहेंगे। इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, बोर्ड, यूनिवर्सिटी से आपने 10th यानी मैट्रिकुलेशन पास कर लिया है, डजंट मैटर व्हाट इज योर परसेंटेज, आप सब एलिजिबल रहने वाले हो। अब इसके साथ साथ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी मेंशन की गई है कि आपके पास देवनागरी लिपि, जो कि हिंदी जैसे जानते हो ना कि देवनागरी लिपि में आती है, उसका नॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ राजस्थानी आपको भाषा आना चाहिए, क्योंकि आप राजस्थान के अंदर सर्व करोगे तो वहाँ पे आपको कम्युनिकेट करना पड़ सकता है वहाँ के लोकल लोगों से। तो फिर आप कैसे कम्युनिकेट कर पाओगे, इसके लिए आपको देवनागरी लिपि और राजस्थानी भाषा दोनों का नॉलेज होना चाहिए। अब ये सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही इसका सिंपल है, सिंगल स्टेज पे आपका सिलेक्शन होगा। सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम पास कर लिया आपने तो आप एलिजिबल हो, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि एग्जाम किस वे में होगा कि एक ही स्टेज पर सिलेक्शन है। देखिए फ्रेंड्स, आपका जो पेपर होता है उसमें 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 150 मार्क्स के लिए। पर क्वेश्चन 1 मार्क मिलेगा, 150 प्रश्न 150 नंबर के लिए। टाइम 3 आवर्स, 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा। इसमें निगेटिव मार्किंग भी है 1/4 का, 0.25 का निगेटिव मार्किंग भी है।
तो सोच समझ के टिक करना है, जहां पर कंफ्यूजन है वहां अच्छे से सोचने के बाद ही टिक करिएगा। चलिए, अब आपका जो पेपर होता है ना वो दो पार्ट में होता है, पार्ट ए पार्ट बी। भाग ए में आपका जो 70% क्वेश्चंस आपको रहेगा भाग ए से 105 प्रश्न, और भाग बी से 30% क्वेश्चंस होंगे, 45 क्वेश्चन भाग बी से रहेंगे। तो ये भाग ए और बी क्या है मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। एग्जाम का जो लेवल होता है ना बहुत ही आसान, 10th लेवल का एग्जाम होता है, और मिनिमम पासिंग मार्क्स 40% आपका रिक्वायर्ड रहेगा। चलिए बता देती हूँ कि अभी जो यहाँ भाग ए भाग बी, तो जैसा कि आपको बताया भाग ए से 70% क्वेश्चन है और भाग बी से 30%। तो भाग ए में आपका मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जीके जीएस करेंट अफेयर्स, मतलब गणित, विज्ञान, आपका इतिहास, भूगोल और जो भी सामान्य अध्ययन, साथ ही साथ आपका करेंट अफेयर्स से आपको 70% मतलब 105 प्रश्न भाग ए का होगा। भाग बी में आपका क्वेश्चंस रिलेटेड टू एनिमल हस्बेंड्री, मतलब पशुपालन से संबंधित प्रश्न होंगे। आपको पता है कि एनिमल अटेंडेंट की जॉब है, तो 30% यानी 45 क्वेश्चन आपको इस पर्सन से होगा। आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ में आ गई होगी, और पहले ही देख लिया है आपने कि मिनिमम पासिंग मार्क्स है 40%, और एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आती है, कट ऑफ क्लियर करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप सर्व करोगे तो आप सोचोगे कि जॉब की क्या प्रोफाइल होती है, पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट को क्या वर्क करना होता है। देखिए, सिंपल सा जॉब प्रोफाइल है, पशु डॉक्टर का सहयोग करना, जैसे कि जो भी पशु चिकित्सालय है, हॉस्पिटल्स है, उसमें जो डॉक्टर्स होंगे ना, वेटनरी डॉक्टर्स सरकारी, उनका आपको हेल्प करना पड़ेगा। पशु चिकित्सालय का देखभाल, जो वेटनरी हॉस्पिटल्स होते हैं ना, उसका देखरेख करना पड़ेगा। साथ ही साथ पशुओं की गणना करनी पड़ेगी, जैसे राजस्थान में आप जॉब करोगे तो कुछ वैसा निकलेगा, लोकल लेवल पे आपको जाके गणना करना होगा पशुओं की। तो आई होप आप समझ गए होंगे जॉब की प्रोफाइल काफ़ी सिंपल है। और फ्रेंड्स, जब आप जॉब करोगे, प्रोफाइल बता दिया कि क्या क्या काम करना है, तो कुछ सैलरी भी दिया जाएगा। आइए देख लेते हैं सैलरी क्या मिलेगी। आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है 19,200 रुपीज़, मतलब 20,000 से आपकी सैलरी की शुरुआत होती है। आफ्टर पर्स अलाउंसेस हर साल की बढ़ोतरी होगी आपकी सैलरी में, उसके बाद आपको 63,200 रुपये की सैलरी दी जाएगी हर महीने। तो मौका काफ़ी अच्छा है, और आप समझ चुके होंगे मैंने जो कुछ भी डिटेल आपको बताया। और कहीं पर भी आपको कुछ डाउट लगा हो, मन में कोई क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो। और अगर समझ गए हो तो इसका जो नोटिफिकेशन है ना फ्रेंड्स, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगी, तो वहां से डाउनलोड करके एक बार उसको भी अच्छे से आप थॉट आउट रीड करके समझ लीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा। और हाँ, मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाके फॉलो कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करते जाइए, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।